पिछले कुछ दिनों से जम्मू के अंदर केसेस के अंदर काफी स्पाइक देखा गया है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास बना हुआ है। ऑक्सीजन बेड्स की रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा पिछले 2 से 3 हफ्तों में आई है और इस इशू को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 4 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स को फंक्शनल किया गया है, स्टार्टिंग विद सीडी हॉस्पिटल जहां 1500 एलपीएम का प्लांट ऑपरेशनल किया गया, उसके बाद गांधीनगर ब्लॉक जहां पर 2200 एलपीएम के प्लांट्स फंक्शनल किए गए हैं और उसके बाद जीएमसी जहां पर 2400 एलपीएम के प्लांट्स फंक्शनल किए गए हैं। कुल मिलाकर के तकरीबन 6000 एलपीएम के प्लांट्स पिछले 2 हफ्तों में जम्मू में फंक्शनल किए गए हैं जो कि तकरीबन 1250 लार्ज सिलेंडर्स के बराबर हैं। दिन ब दिन ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कैपेसिटीज को ऑगमेंट किया जा रहा है, वेंटिलेटर बेड्स की कैपेसिटीज को ऑगमेंट किया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सपोर्टेड बेड्स के जरिए भी जो बेड्स की संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है, हमारे रूरल एरियाज के अंदर भी जो पीएचसीज और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। पिछले हफ्ते में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोट बलवाल, राजीव गांधी हॉस्पिटल डिगियाना और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह को भी एज कोविड हॉस्पिटल डेजिग्नेट करके उसको भी अपग्रेड किया गया है और सभी के सभी बेड्स इन सभी इंस्टीट्यूशंस में ऑक्सीजनेटेड हैं। ओवरऑल कांस्टेंट कोशिश सरकार की चल रही है कि जो भी सिनेरियो कोविड के दौरान इमर्ज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए कैपेसिटीज को ऑगमेंट किया जा सके और लोगों तक पहुंचा जा सके। इसी के मद्देनजर एक मॉपिंग अप एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई थी जिसके अंदर पिछले 3 दिनों में 3 लाख से ज्यादा हाउसहोल्ड्स तक हमारी बूथ लेवल टीम्स पहुंची हैं और एक आईईसी कैंपेन के जरिए उनके साथ पैम्फलेट्स शेयर किए गए हैं, कोविड हेल्पलाइन नंबर शेयर किए गए हैं और एक अपील की जा रही है कि जो भी सिम्टोमैटिक लोग हैं वो जरूर जल्द से जल्द अपने आप को टेस्ट करवाएं ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट किए जा सकें और जो डेथ्स हमारे लिए चिंता का विषय काफी देर से बनी हुई है उसके ऊपर किसी तरह की लगाम हम पा सकें। इसलिए मैं अपील सभी लोगों से करना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्पलाइंस हैं उनको किसी भी वक्त किसी भी चीज के लिए कॉन्टैक्ट करें ताकि हम कोविड प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट कर सकें और जिस भी तरह की केयर की लोगों को जरूरत है, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो कोविड केयर सेंटर्स में जाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल फैसिलिटी का इस्तेमाल करना हो या फिर जो पॉजिटिव केसेस होम आइसोलेशन में उनको कोविड केयर किट्स की अवेलेबिलिटी का इश्यूज हो, आप सभी के लिए हमारे कोविड हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोविड केयर किट्स भी सभी के सभी पॉजिटिव केसेस को पहुंचाई जा रही हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारी रेवेन्यू टीम्स कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम कर रही हैं। उसके ऊपर भी अगर किसी को किसी तरह की इश्यूज फेस कर रहे हो तो हमारी कोविड हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉन्स्टेंटली वो कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वो जल्द से जल्द अवेलेबल करवाएं। वैक्सीनेशन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही थी। 1 अप्रैल से लेकर के 45 प्लस कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट ने 98% लोगों को और एलिजिबल लोगों को कवर किया है और मेरी अपील रहेगी बाकी बचे हुए 2% लोगों से भी कि वो जल्द से जल्द अपनी नजदीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। नेशनल हेल्थ मिशन ने जो डेटा रिलीज किया है उससे भी जाहिर होता है कि जो डेथ्स की संख्या है वो वैक्सीनेटेड कैटेगरी में बहुत कम है, तो विच प्री मीन्स कि वैक्सीनेशन काफी इफेक्टिव है। तो 45 प्लस कैटेगरी वालों के लिए मेरी ये खास अपील रहेगी कि जल्द से जल्द पहुंचकर अपने आप को जरूर वैक्सीनेट करवाएं। आखिर में एक छोटी सी अपील कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, पिछले 15 दिनों से ज्यादा से जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोरोना कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस के अंदर चल रहा है। मौके की नजाकत भी आज यही कहती है कि रिस्ट्रिक्शंस बरकरार रहे बिकॉज इसके चलते हम कहीं ना कहीं चीजों को स्टेबलाइज थोड़ा सा कर पाए हैं, हमारी एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई चेन्स मेंटेन्ड है, बट जहां जहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस एनफोर्स होती हैं 10 बजे के बाद जहां पर एसेंशियल सर्विसेज क्लोज होती हैं तो लोगों से ये अपील रहेगी उसी टाइमलाइंस को पालन करें उनका, जो रोस्टर्स बनाए गए हैं ऑफिसेज के 50% के एचओडीज का उसको हमारे सारे एम्प्लॉयज फॉलो करें और किसी भी तरह की वायलेशंस जो है वो हमारी नजर में ना आए ताकि जो ये मुश्किल दौर है इससे हम सभी इकट्ठे मिलकर बहुत जल्द बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।